भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है, लेकिन अब तक उसके पास हाई स्पीड ट्रेन नहीं है। इसे बोलचाल की भाषा में बुलेट ट्रेन भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा YouTube चैनल दीपावली और आज मैं आपको बुलेट ट्रेन पर कुछ रोचक तथ्य बताने जा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको स्क्रीन पर बेल बटन दिखाई देगा, आप उस बेल बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप यहां पर ओके कर देंगे तो आने वाली सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको YouTube पे आ जाए करेंगी। मोदी सरकार देश में बुलेट ट्रेन का सपना साकार किए जाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिंजो आबे 14 सितंबर को गुजरात के शहर में प्रस्तावित अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल नेटवर्क के लिए आधारशिला रखेंगे। इस बुलेट ट्रेन में लगभग 750 यात्रियों के सवार होने की क्षमता होगी। इस बुलेट ट्रेन से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय 7 घंटे से घटकर 3 घंटे रह जाएगा। परियोजना पर लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके लिए जापान आंशिक रूप से वित्तीय मदद कर रहा है। सरकार ने वादा किया है कि पहली बुलेट ट्रेन 5 साल के अंदर दौड़ेगी। सरकार ने इसे पहले दिसंबर 2023 डेडलाइन तैयार की थी। हालांकि नए रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को घोषणा की कि ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद की पहली ट्रिप 15 अगस्त 2022 को पूरी करेगी। 15 देशों में उपलब्ध ये ट्रेन विश्व की 10 सबसे तेज चलने वाली ट्रेन में से एक होगी। अभी मुंबई से अहमदाबाद की ट्रेन यात्रा में 7 से 8 घंटे का समय लगता है। हालांकि बुलेट ट्रेन की सहायता से यात्री ये दूरी 2-3 घंटे में ही तय कर लेंगे। अब मैं आपको बुलेट ट्रेन के बारे में कुछ अहम जानकारियां देने जा रही हूं। अधिकारियों के अनुसार बुलेट ट्रेन में 2 श्रेणियां होगी, एक एग्जीक्यूटिव और इकोनॉमी की सीट होगी तथा किराया राजधानी एक्सप्रेस के एसी 2 टायर किराए के बराबर होगा। वही रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन को देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त 2022 को शुरू करना है। 508 किलोमीटर लंबे मार्ग पर कुल 12 स्टेशन होंगे, जिनमें 4 महाराष्ट्र में और 8 गुजरात में होंगे। अधिकारी ने बताया कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के आरंभ बिंदु के स्थान को लेकर अनिश्चितताएं खत्म होने के फौरन बाद रेलवे और महाराष्ट्र सरकार इसकी औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। बीकेसी में कुल करीब 67 एकड़ जमीन उपलब्ध है और परियोजना के लिए 10 एकड़ जमीन चाहिए होती है। पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बताया कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच की 508 किलोमीटर की दूरी करीब 2 घंटे में पूरी करने की संभावना है। इसकी सामान्य गति 320 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, जबकि अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में लगभग 20,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। इनका प्रयोग भविष्य में इसी तरह के प्रोजेक्ट में किया जा सकेगा। भारतीय रेलवे के तकरीबन 3,000 कर्मचारियों को वर्तमान में जापान में प्रशिक्षित किया जा रहा है। वही लगभग 4,000 लोग हाई स्पीड रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन वडोदरा में ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये 2020 तक चालू रहेगा। बुलेट ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत की बात करें तो ये ट्रेन कभी लेट नहीं होगी। जापान की टेक्नोलॉजी से तैयार किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन 60 सेकंड से भी ज्यादा लेट नहीं होगी। जापान में इसे लेकर रिकॉर्ड कायम है, इसलिए यही उम्मीद भारत में भी की जा रही है। बुलेट ट्रेन पूरी तरह से सुरक्षित होगी। जापान टुडे के मुताबिक पिछले 51 सालों के भीतर शिकासेन की वजह से कोई भी दुर्घटना नहीं हुई है, इसलिए भारत में भी इसे लेकर आश्वासन जताया जा रहा है कि यहाँ भी ये ट्रेन पूरी तरह से सुरक्षित होगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दीपावली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।